अभी मैंने कहा कि एकदम जहां भी किराए का मकान मिलता है गांव में 5,000 रुपया सरकार उपलब्ध करवा देगी, मतलब आज ही रात से उनको 5,000 रुपया घर का उपलब्ध करवा देगी, वो सरकार वहन करेगी उसमें नहीं, सारा किराया 3 महीने तक जब तक हम उनको आपदा राहत दें, बरसात खत्म नहीं हो जाती हम देंगे, खाना पीना और उनके जो भी गैस का सिलेंडर चूल्हा वो सब हम आज उपलब्ध करवा देंगे ये, और इसके अलावा 50,000 रुपया उनको अभी घर के जो अपने कपड़े या खरीदने के लिए वो हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें, इन चीज़ों से उनके परिवार के लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, ये सिर्फ हम मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। अभी पहली बहुत पहली बरसात हुई पिछले कल तकरीबन 5 बजे के करीब, ये 4:30-4:45 के करीब आपदा आई, उसके बाद अभी बरसात हमारी ख़त्म होने को समय है, जल्दी इन परिवारों को बसाने के लिए हम आपदा राहत पैकेज देंगे और प्रत्येक परिवार हमारा है, उसको बसाने का धर्म भी हमारा है, उसके परिवार के बच्चे को पढ़ाने का कर्तव्य भी हमारा है, कोई तंगी नहीं आने देंगे, जैसे पिछली बार की तरह आपदा राहत दिया था, बरसात खत्म होने के बाद हम इन्हें आपदा राहत देंगे, सिर्फ हम उनके जख्मों पर मरहम लगा सकते हैं, उनके परिवार के सदस्यों को हम वापस आ नहीं सकते हैं, लेकिन हम संवेदना हमारी सरकार की तरफ से व्यक्त एक फैमिली मिली सर, उसमें सिर्फ उनके पुरुष बचे हैं, उनकी जो पत्नी है और दोनों बेटियां जो हैं वो बह गई हैं, सिर्फ वो अकेले बचे हैं और घर भी चला गया, ऐसे काफी केसेस हैं यहाँ। उनको सबको मिलेगा, वो हमारे परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं है, जो भी है डिप्टी कमिश्नर, हमने ये क्लाउड बस्ट हुआ कुल्लू जिला और शिमला जिला, दोनों डिप्टी कमिश्नर यहाँ है, आज शाम तक इनको सबको आपदा राहत मिल जाएगी, जो कुछ बचेंगे जो इधर उधर गए उनको कल तक मिल जाएगी, पर कल तक हम सब परिवारों को बसा देंगे जो इस जो नाले के इर्द गिर्द वाले परिवार हैं, बाकी और जगह भी मैंने दिशा निर्देश दे दिए हैं। अभी आज भगवान का ये शुक्र है कि आज धूप निकली है और धूप निकलने के कारण हम इस राहत कार्य में और तेजी ला रहे हैं। सर, जो अगर ये देखा जाए यहाँ पर कि यहाँ पर जो मोस्टली है सबसे ज्यादा नुकसान सलेज में हुआ या कहीं और भी ज्यादा नुकसान है सर? नहीं, एक हमारा और भी क्षेत्र है बागी पुल में हुआ है और एक पद्दर के इलाके में भी हमारे वहाँ 2 बॉडी रिकवर हो गई है, उसमें भी नुकसान हुआ है। 4 लोग अभी जो बॉडीज रिकवर हुई है 4 लोगों की, मिसिंग 49 है, 49 टोटल। जो भूमिहीन है उनको कब तक जो है उपलब्ध करवाई जाएगी पूरी तरह से? जो अभी तो एकदम देखिए सरकार में थोड़ा सा का भी सर, जो उनको नहीं मिल पाई है अभी भी। नहीं, सबको मिली है, ये आप गलत बोल रहे हैं। रामपुर शहर में नहीं, रामपुर शहर में पिछली बार आपदा नहीं थी, ये अभी इस नाले में आई है।